खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और दसुगम को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले लेकर बढ़ते हैं उस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की ओर जहाँ लगा है आज राष्ट्रपति शासन। जी महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। उनकी सहमति के पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की थी। आपको बता दें, पूरी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले गौरतलब है कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में तनाव पैदा होने के बाद राज्यपाल ने पहले बीजेपी, फिर शिवसेना और इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NSP से सरकार बनाने की इच्छा पूछी थी। माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से सरकार गठन से इनकार किए जाने के बाद दोनों दलों की ओर से सरकार गठन पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की। हालांकि NSP के पास सरकार गठन का दावा करने के लिए मंगलवार रात 8:30 बजे तक का समय था। इससे पहले तेजी से बदले घटनाक्रम के बीच राज्यपाल की सिफारिश के बाद प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाए जाने के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर अटकलें तेज हो गई। सूत्रों की माने तो कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अनुशंसा कर दी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अनुशंसा कर दी है। इसके पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के हालात पर रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संबंधित फाइल राष्ट्रपति को भेज दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरेजवाला ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्यपाल ने लोकतंत्र में सेंधमारी करते हुए संवैधानिक व्यवस्था पर मखोल बनाया है। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्यपाल ने आज शाम तक NSP को सरकार बनाने के लिए अपनी इच्छा बताने का विकल्प दिया था। इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को ये मौका दिया था, लेकिन शिवसेना ने ये साफ कह दिया था कि उसे 2 दिनों का अतिरिक्त समय चाहिए। हालांकि राज्यपाल ने उन्हें अतिरिक्त समय देने से इनकार भी कर दिया था। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की चर्चाएं तेज होते ही शिवसेना की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आने लगी। पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कानूनी जानकारों से इस पर चर्चा की। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सूत्रों की बातें माने तो उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से बात की है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, माननीय राज्यपाल NSP के सूख जाने के बाद राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल ने शिवसेना के बाद NSP को सरकार बनाने का न्योता दिया है। वही आपको बता दें, इस वक्त ये सबसे बड़ी है कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और रामनाथ कोविंद ने खुद इसकी मंजूरी भी दे दी है। वही बाकी खबरों के लिए आप दसुगम के साथ बने रहिए। आपको पल पल हर खबर से अपडेट करवाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।